जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्या क्या करना है इस बार घट स्थापना में। दोस्तों बहुत ही सिंपल विधि है पूजा की, मैं बता दे रही हूँ आपको, थोड़े दिन पहले बता दे रही हूँ ताकि आप सारा सामान एक जगह करके अब रख लें। दोस्तों आपको पता ही होगा 28 तारीख से शुरू हो रहा है, 28 मार्च 2017 यानी मंगलवार से दोस्तों नवरात्रि शुरू हो रही है और 5 अप्रैल तक रहने वाले हैं। घट स्थापना का मुहूर्त जो लोग 28th को करेंगे उनके लिए सुबह 8:26 से 10:24 तक है। सेकेंड डे कुछ लोग दोस्तों शाम को करना, नेक्स्ट डे करना चाहते हैं 29th मार्च को, उनके लिए घट स्थापना का मुहूर्त है 5:36 सुबह सुबह 5:36 से 9:14 तक, 9:14 तक। दोस्तों प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी आपकी 28 मार्च को रात में 11:56 तक और 29 मार्च को खत्म होगी सुबह 9:14 तक। तो दोस्तों ध्यान से करें, नवरात्रि के जो मैं आपको टाइम मैंने बताए हैं उसके अंदर ही घट स्थापना करें दोस्तों, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। शरद नवरात्र में जो भी पूजा होगी वो चैत्र नवरात्रि के दौरान जैसे करते हैं वैसे ही करना है। और देखिए दोस्तों, घट स्थापना जो नवरात्र के दौरान जो कर्म करने होते हैं उनमें से एक है, और ये 9 दिन के उत्सव के पहले दिन पूरे रीति रिवाज नियम के साथ आपको करना पड़ता है। भगवती दुर्गा का आवाहन करके पूजा के लिए उनको निमंत्रित किया जाता है, और हिंदू शास्त्रों के अनुसार गलत समय पर किया जाने वाला आवाहन देवी शक्ति का क्रोध और प्रकोप ला सकता है। इसलिए दोस्तों घट स्थापना मुहूर्त का चयन करना, ठीक से समय पे करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। घट स्थापना के लिए अमावस की तिथि और रात्रि के समय भी निषेध है, तो इसलिए सुबह की तिथि आप लें, अगर सुबह सुबह कर सके तो दोस्तों वो ही लें। सबसे पहले ध्यान रखें दोस्तों, घट स्थापना में 9 दिनों तक अखंड ज्योत अगर हो सके तो आपको जलानी है। और यदि जो कुछ कुछ मैं नियम बता रही हूँ आपको, मैं बताने जा रही हूँ प्रोसेस, क्या क्या आपको सामान चाहिए, क्या क्या आपको रखना है, कैसे पूजन करना है, पहले ध्यान कर ले दोस्तों क्या चीजें आपको नहीं करनी है और कैसे आपको पूजा स्थापित करनी है। ईशान कोण को देवताओं की दिशा माना गया है। ईशान कोण है उत्तर पूर्व दिशा। इस दिशा में माता की प्रतिमा और घट स्थापना करना उचित रहता है, तो ईशान कोण में स्थापना करें माता की। दूसरी चीज आपको ध्यान जो रखनी है वो ये है कि जिस समय आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो उसे अग्नि कोण में रखना है। अग्नि कोण कौन सा हुआ? पूर्व दक्षिण यानी कि ईस्ट, साउथ ईस्ट कॉर्नर। पूजा करते समय आपको अपना मुख पूरब में या उत्तर की ओर रख के पूजा करनी है, इसमें गड़बड़ ना करें दोस्तों। जो घट की स्थापना आप करेंगे उसको आप चंदन का पाटा, अगर आपके पास है पाटिया जो लगाते हैं दोस्तों, वो चंदन का अगर पाटा हो तो बहुत ही शुभ होता है। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, नॉर्मल पाटे पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों साफ सुथरी जगह हो, कोई भी कपड़ा या गंदा गंदी वस्तु उसके आसपास नहीं होने चाहिए। जगह को बिल्कुल क्लीन करके उसके आसपास भी सब कुछ साफ सुथरा करके रखें दोस्तों। कई लोग नवरात्रि में ध्वजा बदलते हैं, तो ध्वजा की जो स्थापना करेंगे दोस्तों रामनवमी वाले दिन, वो आपको वायव्य कोण में करना है यानी उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में करना है। इसके अलावा आपको पूजा स्थल के सामने थोड़ा सा खुली जगह रखें जहां पे आसानी से आप बैठ सकें, अपना बिछा के अपना जो आसन है वो लगा के आप अच्छे से पूजा कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, इग्नोर करें कि आसपास बाथरूम या नहानघर ना हो। देखिए दोस्तों नवरात्र 4 वर्ष में 4 बार आती है, विशेषकर चैत्र और शरद नवरात्रियों का बहुत महत्व होता है, और 9 शक्तियों की पूजा हमको अलग अलग दिन करनी है।
तो दोस्तों चलिए पहले दिन हम शैलपुत्री माता की पूजा करते हैं। कैसे करनी है आपको स्थापना वो मैं आपको विधि बता देती हूँ। सबसे पहले आपको लेना है सामग्री, आप ध्यान से रख लें कि आपको क्या क्या सामान चाहिए। सबसे पहले जौ बोने के लिए एक मिट्टी का पात्र ले लें। अगर आप मिट्टी का नहीं लेना चाहते हैं, आपके घर में एक्स्ट्रा परात हो स्टील का या कोई, तो आप कुछ प्रॉब्लम हो अगर मिट्टी का पात्र नहीं मिलता हो आपके घर के आसपास, तो आप वो भी ले सकते हैं। जो बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी ले लें। मिट्टी को आप जो जिससे आटा छानते हैं उससे छान भी सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा रेत ले लें, थोड़ी सी अगर रेत मिलती है आपके घर के आसपास सैंड, तो वो ले लें। पात्र में बोने के लिए जौ गेहूं, किसी किसी के घर में सप्त धान बोते हैं तो सप्त धान ले लें दोस्तों। घट स्थापना करने के लिए आपको एक मिट्टी का कलश लेना है। मिट्टी का ना हो आप चांदी का या तांबे का कलश भी स्थापित कर सकते हैं। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल ले लें, थोड़ा सा गंगा जल ले लें दोस्तों। गंगा जल आपको किसी भी दुकान में मिल जाता है, अगर आपके घर के आसपास गंगा जी है तो वहां से मंगा सकते हैं, अगर नहीं है गंगा जी तो आप थोड़ा सा गंगा जल लेके दो चार ड्रॉप उसमें डाल लें। मोली या कलावा जिसको बोलते हैं, हाथ पे जो बांधने के लिए रक्षा होती है रेड कलर की, वो आप धागा जरूर ले लें। इत्र ले लें, माँ को गंध बहुत पसंद है, सुगंध बहुत अच्छी लगती है, तो इत्र ले लें। साबुत सुपारी ले लें। कलश में रखने के लिए कुछ सिक्के ले लें, चांदी के सिक्के अगर हो सके तो चांदी का सिक्का रखें। अशोक या आम के 5 पत्ते आपको लेने हैं। कलश ढकने के लिए एक मिट्टी का ही ढक्कन ले लें, अगर मिट्टी का नहीं अवेलेबल है तो आप तांबे का या स्टील का भी ले सकते हैं। ढक्कन में रखने के लिए अक्षत लें, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल लेने हैं। एक पानी वाला नारियल लेना है दोस्तों, नारियल मतलब सूखा ही लेना है, वो जो हम हिला सकते हैं, डाब नहीं लेनी है आपको। पानी वाला नारियल लेना है जिसमें पानी हो वो रखना है। नारियल पे लपेटने के लिए लाल कपड़ा लेना है आपको और फूल माला, ये प्रथम दिन आपकी घट स्थापना के नियम के अनुसार है। एक लाल कंबल या लाल आसन रख ले जिसपे बैठ के आप पूजा कर सकते हैं, नहीं हो तो लाल चादर आपके पास हो, पर ध्यान रखें धो के वॉश करके अच्छे से प्रेस की गई हो। सबसे पहले दोस्तों सुबह स्नान आदि करके संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प लेने के बाद ब्राह्मण के द्वारा या आप खुद भी बेदी बना सकते हैं। कलश की स्थापना करके माता का पूजन आरंभ करना है। नवरात्र में श्री गणेश शुक्ल प्रतिपदा को प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में आपको घट स्थापना करनी है, जो मैंने बताई है मुहूर्त उसके अंदर ही करनी है। घट स्थापना करने के लिए सबसे पहले मिट्टी अथवा साधना के अनुकूल आपको, जैसे मेटल का लेना है तो आप, मैंने जो बताया चांदी का ले लें या तांबे का ले लें, वो लेकर के भी आप उसमें पूरे तरह से ऊपर तक गंगा जल भर लें। गंगा जल भरने के बाद कलश के ऊपर नारियल को लाल चुन्नी या लाल कोई कपड़ा ले लें, उससे लपेट कर अशोक वृक्ष या आम के 5 पत्तों सहित रख लें। सबसे पहले जमीन पे थोड़ी सी गोबर या थोड़ी सी मिट्टी लेके गोल चौकी बना लें, उसके बाद उस पे पाटा रखें। पवित्र मिट्टी में जो भी मिट्टी आपने ली है, मिट्टी में सप्त धान या जौ के दाने और जल मिलाकर वेदी का निर्माण करें। इसके बाद उसके ऊपर कलश को स्थापित करें। वेदी निर्माण मतलब मिट्टी को वहां पे चारों तरफ लगा दें। आप पिक में देख सकते हैं दोस्तों, जो पिक आप देख पा रहे होंगे उसमें लिखा हुआ होगा पिक, वहां पे पहले आप मिट्टी की वेदी बनाएं, उसके ऊपर कलश स्थापित कर दें। स्थापित जो कलश है उस पे वरुण देव का आह्वान करें, बोले हे वरुण देवता आप आके विराजिए। सबसे पहले जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र ले लें। अब इस पात्र में मिट्टी की एक परत को बिछा लें, फिर अब एक परत आपके जौ या गेहूं या सप्त धान जो आपको उगाना है उसकी लगाएं, फिर इसके ऊपर एक मिट्टी की परत और बिछा लें, फिर एक परत जौ की फिर बिछाएं, फिर जो सप्त धान या गेहूं या जौ जो आपने डाला है उसके बीच चारों तरफ बिछाएं ताकि कलश के नीचे दब ना जाए। इसके ऊपर फिर एक मिट्टी की परत बिछाएं।
ऐसा करके दो लेयर आपको डालनी है दोस्तों, और थोड़ा सा जल छींट के छोड़ देना है। अब जो कलश आपने बनाया है उसके कंठ पे मोली आपको बांध देनी है और सथिया बना देना है। सथिया मीन्स स्वास्तिक बना देना है। कलश के अंदर शुद्ध जल गंगा जल भरना है और कलश में साबुत सुपारी, थोड़ा सा इत्र, सिक्के चाहे चांदी के चाहे तांबे के या जो भी आप रख रहे हैं वो, और आम के 5 पत्ते या अशोक के 5 पत्ते रख दें। फिर कलश को ढक्कन लगा दें, मुंह बंद कर दें कलश का, और फिर ढक्कन में चावल भर दें। नारियल, जो नारियल पानी वाला आपने लिया है, उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेट कर मोली लपेट लें। अगर लाल कपड़ा अवेलेबल या चुन्नी नहीं मिली है छोटी दोस्तों, तो आप सिर्फ मोली भी लपेट सकते हैं। फिर नारियल को कलश पे रख दें और कलश को उठाकर जो आपने पात्र बनाया है, जो कि बेदी बनाई है पूरा जो धान उगा के, उसके बीचों बीच में आपको रख देना है। कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। हे सभी देवी देवता और माँ दुर्गा, आप सभी हमारे घर 9 दिनों के लिए पधारें। फिर एक पाटा ले लें, एक पाटे पे पाटिया या चौकी ले लें, माता की चौकी, या बताऊंगी कैसे स्थापित करनी है। एक पाटा ले लें, चौकी ले लें, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें। फिर उसके ऊपर सबसे पहले एक सिकोरी ले लें, प्याली या सिकोरी कुछ भी ले लें मिट्टी की, उसमें थोड़े से चावल भर लें। अक्षत होने चाहिए दोस्तों, बिना टूटे हुए चावल होने चाहिए। एक साबुत सुपारी ले लें और उसके ऊपर मोली पूरी अच्छे से लपेट दें और उसको चावल के बीच में स्थापित कर दें। ये गणेश जी का भाव करके करना है और गणेश जी का आवाहन करना है आपको। बोले हे गणेश जी महाराज, आप हमारे घर हमारी पूजा में आकर विराजमान होइए और सारे कार्य, हमारा जो पूजन या उपवास हम कर रहे हैं उसको हम जिस मनोकामना से कर रहे हैं वो पूर्ण करें। ये करके कर लेना है। इसके बाद आपको नवग्रह बनाने हैं। चावल, साबुत चावल के 9 कुड्डी आप फोटो में देख पा रहे होंगे, 9 कुड्डी आपको बना के रखनी है चावल की। इसी तरह से आपको षोडश मातृका और सारे नवग्रह को उसके बाद आपको इनवाइट करना है, निमंत्रण देना है कि सारे नवग्रह इधर आइए, आप हमारी पूजा में आइए और हमारे जो भी ग्रह दोष हैं उनको दूर करिए। इसके बाद आपको षोडश मातृका बनानी है। 16 कुड्डी गेहूं की बनानी है दोस्तों। 16 कुड्डी बनाने के बाद सभी षोडश में से 16 माताओं को इनवाइट करना है, बोलना है हे माता, आप हमारी पूजा में आकर विराजमान होइए और हमारी जो भी भूल चूक है उसको क्षमा करके हमारी पूजा को संपूर्ण कराएं। फिर आप अपने जो भी इष्ट देवता हैं, जैसे किसी के रानी सती दादी हैं, किसी के हनुमान जी हैं, जो भी आपके कुल के देवता हैं, कुल के देवता के एक फोटो लगाएं, उनको स्थापित करें, उनको टीका चावल रोली मोली पंचोपचार पूजा करें और फिर बोले कि हे देवता, कुल देवी देवता, आप हमारे घर पधारिए, ये पूजा नवरात्रि की संपूर्ण करिए। दोस्तों बोलने में बहुत लंबा लंबा लग रहा है, जब आप करेंगे तो बिल्कुल एक एक मिनट का काम है ये, ठीक है। इसके बाद आपको दुर्गा माता रानी की एक फोटो या मूर्ति, जो भी आप स्थापित करना चाहते हैं वो आप पूजन में रखें। दोस्तों अगर आपके पास नहीं है कोई फोटो या मूर्ति और आपके पास सामर्थ्य नहीं है खरीदने का अभी, तो दोस्तों आप एक सिक्का ले लें, उसको माता रानी का भाव करके स्थापित कर लें। आप एक मोली, जैसे मैंने गणेश जी स्थापित करना बताया, वैसे ही माता रानी का भाव करके एक सुपारी पे मोली लपेट के स्थापित कर लें। आप चाहें तो जो आपकी जो वॉल है, वॉल के पीछे में आप एक त्रिशूल बना करके उसमें भी माता का मांडा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सभी देवी देवताओं का आवाहन करने के बाद, सबको निमंत्रण देने के बाद, दीपक जला करके कलश पूजन करें, धूप बत्ती दिखाएं, कलश को माला अर्पित कर दें, फल मिठाई नैवेद्य जो हम कहते हैं वो अर्पित करें, इत्र अर्पित करें और फिर माता की चौकी की सारी पूजा करें। स्वास्थ्य वाचक शांति पाठ अगर आप हो सके तो दोस्तों करें और संकल्प करें। सबसे पहले
गणपति जो हमने विराजमान किए उनकी पूजा करके मातृका, लोकपाल, नवग्रह, वरुण आदि की सबकी एक एक करके विधि पूर्वक पूजन करें। सबकी पंचोपचार या षोडश उपचार पूजन करनी चाहिए। दुर्गा देवी की आराधना अनुष्ठान में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजन, फिर मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ मुख्य अनुष्ठान होता है। जब माता का आह्वान करें तो सबसे पहले बोले नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणता स्मताम। इस मंत्र से आपको पंचोपचार पूजन करके यथाविधि पाठ करना है। फिर कुमारी पूजन बहुत जरूरी माना जाता है। सामर्थ हो तो नवरात्रि के प्रतिदिन आपको कुमारी पूजन करना है, नहीं तो कम से कम समाप्ति के नौवे दिन आपको नौ कुमारी कन्याओं को चरण धोकर उनको देवी का स्वरूप मानकर गंध पुष्पादि से अर्चना करके आदर के साथ भोजन कराना है। वस्त्र आदि जो भी आप गिफ्ट कर सकें वो उनको गिफ्ट करना है। दोस्तों नवरात्र में और भी बहुत सारे उपाय हैं जो हमें करने हैं, इसी में बता देती हूँ आपको शॉर्ट में। माता को नौ दिन में क्या भोग लगाना है। प्रथम नवरात्रि के दिन माँ को गाय का शुद्ध घी अर्पित करना है। सेकेंड डे शक्कर का भोग लगाना है। थर्ड डे दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना है। फोर्थ डे आपको मालपुए का भोग लगाना है। फिफ्थ डे आपको केले का भोग लगाना है। सिक्स्थ डे शहद का भोग लगाना है। सेवेंथ डे आपको गुड़ का भोग लगाना है। एट्थ डे आपको नारियल का भोग लगाना है और नाइन्थ डे आपको तिल का भोग लगाना है। दोस्तों सारी डिटेल्स मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। ये पूजा विधि है। इसके बाद आपको माता रानी की सब पूजा कंप्लीट करने के बाद माता रानी को आरती कर लेनी है। जय अम्बे गौरी या और कोई दूसरी आरती आपको आती है तो वो कर ले। दोस्तों जोत लेनी है, जोत आप जरूर लें। माता की थोड़े से कंडे जला लें, उसमें थोड़ा सा घी डाल के माता रानी का जोत लें। थोड़ा सा जो उस दिन का भोग मैंने बताया है, हर दिन का अलग अलग भोग, वो थोड़ा सा नैवेद्य चढ़ाएं। पॉसिबल ना हो तो शक्कर से या पेड़े से आप जोत ले सकते हैं। आरती पूरी होने के बाद थोड़ा सा जल घुमा के आरती की थाली में, उसके बाद छोड़ दे, सारे परिवार वालों पे जल का छांटा दें और फिर क्षमा याचना कर लें। दोस्तों क्षमा याचना बहुत दिल से करनी है। हाथ में फूल ले लें, थोड़े से फूल नहीं हो तो चावल के दाने ले लें और माता के आगे बोले, हे माता, हमने बहुत श्रद्धा शक्ति से आपकी पूजा की है, जितना हमसे बन पड़ा हमने उस तरीके से किया है, अगर कोई भूल चूक जाने अनजाने हो गई है तो हमें क्षमा करें। और माता से आपने जो भी मनोकामना से उस व्रत को किया है या उस पूजा को किया है या कोई मनोकामना नहीं भी रखी हो तो सुख शांति और सब कुछ अच्छा रखने का आशीर्वाद माँ से प्राप्त करें। थोड़ी सी राख जो जोत ली है, थोड़ी सी राख उसमें से लेके सारे जो भी घर के जेंट्स हैं उनके सिर पे लगाएं, लड़के जो भी हैं और जो भी लड़कियां हैं या लेडी हैं सबके गले में लगाएं। दोस्तों इससे सारे नजर, सारी जो भी बुरी आत्माएं जो आसपास है, निगेटिविटी है घर की, सब दूर हो जाती है। अपने अपने दोस्तों घर में धन संपत्ति संतान सबकी पूर्ति के लिए अलग अलग मंत्र बताऊंगी दोस्तों दूसरे वीडियो में, आप वो भी कर सकते हैं। और दोस्तों देखें इस नवरात्रि के बाद आपके जीवन बदल जाने वाला है। दिल से कर लीजिए दोस्तों नवरात्रि में माता की घट स्थापना और देखिए कैसे आपकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। सब्सक्राइब करके रखे दोस्तों। और ये जो पूजा विधि सारी कलश स्थापना विधि मैंने बताई है, प्लीज़ सभी दोस्तों से और परिवार वालों से शेयर ज़रूर करें ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी को मनाते रहिए। ढेर सारे मंत्र पूजा और वशीकरण बता रही हूँ नवरात्र के। दोस्तों ये नौ दिन जम के कर लीजिए और साथ में दिल से उपवास करना है। सभी कोई सीधा नमक खा सकते हैं, नमक का त्याग कर दें इन नौ दिनों में। मांस मदिरा नमक प्याज लहसुन इनका त्याग आपको करके ये व्रत और उपवास करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय एंड जय माता दी।